कि हम ही ना घुस जाए आगे। चलो ये तो फिर भी एक जानवर है। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं तारिक न्याजी, मेरे साथ मौजूद हैं अलीशान नूर, मीना मलिक एंड मिस्टर हनी। तो चलते हैं वीडियो की जानिब क्योंकि वक्त बहुत कम है। करते हैं गपशप। दोस्तों वीडियो का टाइटल है फनी पाकिस्तानी न्यूज रिपोर्टर ग्रुपर, यानी कि बहुत सारे ऐसे क्लिप बन जाते हैं ना जब रिपोर्टिंग करते हैं तो कुछ भी हो जाता है सोशल मीडिया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत का इजहार करते नजर आ रहे हैं। जी यूं तो पाकिस्तान में 90% लोग कॉमेडी ही करते हैं, लेकिन आज हम पाकिस्तान के टीवी न्यूज एंकर्स और रिपोर्टर्स की कॉमेडी देखने जा रहे हैं, और इसकी शुरुआत करते हैं एक रिपोर्टर और एक बंदर की बेहतरीन परफॉर्मेंस से। मदारी बंदर और बंदर के बच्चे को नचाकर अपने लिए दो वक्त की रोजी कमाते हैं। इनका कहना है कि महंगाई के इस दौर में अगर ये बंदर अपनी परफॉर्मेंस ना दे तो फिर इनके लिए रोजी कमाना मुश्किल हो जाता है। कैमरामैन इम्तियाज अली के साथ वसीम हैदर, समा, कराची। सच में इनके लिए भी रोजी कमाना कोई आसान बात नहीं है। खैर ये तो एक बंदर है इसलिए इसकी ऐसी हरकतों को हम इग्नोर कर सकते हैं, पर क्या हो जब इंसान ही ऐसी हरकतें करने लगे। ये रिपोर्टर बिना रीटेक के इतनी लंबी लाइन बोल गया, लेकिन एंड में ये दूसरे भाई साहब ने सारा कवाड़ा कर दिया। इस हवाले से हम इस इन इलाके के रहायशों से पता करते हैं, मालूम करते हैं कि आवाम को क्या मुश्किल है। ये तो एक आदमी है, इसकी कुटाई की जा सकती है, पर इन अम्मा का क्या करें। शरबत गर्मियों का एक खास तोहफा है जो ना के जिस्म में ठंडक पैदा करती है। और अम्मा से बढ़कर तो ये बाबा निकले, जो एक खूबसूरत रिपोर्टर को देखकर ये भी भूल गए कि उनकी उम्र कितनी है। कोई मसला होता है मार्केट में आने में ये इस पत्थरों की वजह से और ट्रैफिक की वजह से? और हमने जो है ना हत्ती बोट लगाई मन के हत्ती लगाई, बच्चा खत्म हो चुका। उम्र से याद आया कि क्या हो अगर आपको अपनी जवानी के दिनों में ही अपनी मौत सामने से आती हुई दिख जाए, जैसे कि इस रिपोर्टर को दिखी। अबे गायें आ रही है भागती हुई। बना ले एक शॉट मार। हम ही ना घुस जाए आगे। चलो ये तो फिर भी एक जानवर है, कैसा हो अगर कोई इंसान ही आपको अपनी जॉब करते हुए पेल दे। आपका सामने से भी व्यू देख ले, ये जरा दिखा दीजिए, ये है वो आदमी जो कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर लोगों को बेइज्जत करने के लिए आया। और तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें तुम्हारे घर में भाई बहन बदतमीजी कर रहे? वैसे अगर बिना चिल्लाए बात करती तो शायद बच जाती, लेकिन ये चीखना चिल्लाना सिर्फ स्टूडियो के बाहर नहीं अंदर भी होता है। कैसे बुलेटिन करूंगा मैं इसके साथ? वो कह रही मेरे साथ बात ही ना करो। मैंने लहजे की भाई, तुम्हारा अगर कोई अपना मसला चल रहा है उसको मेरे साथ नहीं डिस्कस करो ना यार। तुम्हें से मैंने कौन सी बदतमीजी की है? क्या बदतमीजी की है? जाहिल तो इसको को अपनी जबान कंट्रोल करे। अजीब, इसके नखरे नहीं खत्म हो रहे भाई। और कभी कभी ये बहस हाथापाई में भी तब्दील हो जाती है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि न्यूज रूम में सिर्फ लड़ाइयां ही होती हैं। थोड़ा सा खर्चा करें, रिसर्च करें तो बॉम्बे का इतना बड़ा केला है, अगर एक कमरे में 6 केले पड़े हो तो पूरे कमरे में खुशबू फैल जाती है। अच्छा। और इसी तरह ढाका का केला इतना लंबा केला है। अच्छा। अगर ये हम रिसर्च करके हमारे सिंध में ये वाला केला, सिंध का एक ऐसा उंगली जितना केला होता है। प्यारी समझ गई। मुकम्मल कर लीजिए अपनी बात को आप। तो वो रिसर्च करें, और अगर ये ढाका का और बॉम्बे वाला केला यहाँ आ जाए तो कितनी ज्यादा उसकी मांग भी बढ़ जाएगी, सेल भी बढ़ जाएगी। सच में जमाना कितना खराब हो गया है, वो बेचारा डबल मीनिंग बातें कर भी नहीं रहा था, फिर भी प्यारी समझ गई। पर क्या हो अगर किसी के मुंह से सच में कुछ उल्टा निकल जाए। एमकेएम के मरकज 90 कराची में डॉक्टर इमरान फारूक के में कत्ल होने के मैंने इंग्लिश में बोल दिया ना, लंदन
उर्दू में क्या बोलेंगे? देख रहा है विनोद, अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है। तो चलिए आते हैं अपनी इस वीडियो की लास्ट क्लिप पर, लेकिन उससे पहले जरा ये देखिए। कराची से अंदरून मुल्क लोग अपनों में ईद मनाने के लिए आ रहे, क्या क्या कर रही बीबी? उधर से जाओ, एक मिनट गाड़ी निकल जाएगी। कराची से अंदरून मुल्क लोग अपनों में, यार बड़ा बेगैरत आदमी है, उधर से निकल जाना भाई। आपने बजरंगी भाईजान के इस फेमस सीन को तो देखा ही होगा, लेकिन आप में से शायद कई लोग ये नहीं जानते कि ये सीन रियल लाइफ से हूबहू कॉपी किया गया है। कराची से लोग अंदरून मुल्क अपनों में ईद मनाने के लिए जा रहे हैं। कैमरामैन कामिल यूसुफ के साथ चांद नवाब, इंडस न्यूज़ कराची। यार बड़ा बेगैरत आदमी, उधर भाई उधर से चले जाओ। कराची से अंदरून मुल्क लोग अपनों में ईद मनाने के लिए जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं बीबी? उधर चलिए, एक मिनट रुक जाना। कराची से लोग अंदरून मुल्क अपनों में ईद मनाने के लिए यार रोक लेना भाई, उधर से चले जाओ ना यार, एक मिनट गाड़ी निकल जाएगी। कराची से लोग अपनों में ईद मनाने के लिए अंदरून मुल्क जा रहे हैं। कैमरामैन कामिल यूसुफ के साथ चांद नवाब, इंडस साहब ने देखो। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। अगर इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए या किसी और टॉपिक का सुझाव देना है तो कमेंट सेक्शन खुला है। जय हिंद। जी जनाब, ये थे चांद नवाब और चांद नवाब के साथ और भी रिपोर्टर। चांद नवाब तो इंडिया में, अच्छा चांद नवाब से तो बाकायदा नवाजुद्दीन सिद्दीकी की गपशप भी हुई है। हाँ, और नवाब चांद नवाब से पूछा तो बोला इन्होंने बड़ा अप्रिशिएट, सलमान खान से इनकी बातचीत हुई है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। अच्छा, जब फिल्म में यही सीन लिया ना इन्होंने, इसका नाम भी नवाजुद्दीन सिद्दीकी का नाम भी चांद नवाब रखा है। मैं वो चांद नवाब, ये वो, तो बोलता था चांद नवाब ही नाम रखा है। कितना हिट हो गया ये, बहुत ज्यादा। तो अब उसके बाद बेचारे की जॉब वॉब भी नहीं थी, तो इस फिल्म के बाद इनको जॉब वॉब भी मिली है। बिल्कुल, वो हाँ ना, मतलब बेरोजगार थे तो अचानक एक क्लिप हो गया। खैर बहरहाल, पाकिस्तान में बड़े मसले मसाइल होते रहते हैं और बड़ी ही अजीब अजीब सी चीज़ें भी हो जाती हैं। तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग हनी से पूछते हैं, इनको कौन सा लगा? मुझे तो चांद नवाब वाले ही सबसे बेस्ट, बहुत फेमस भी है हनी, ज़्यादा कॉमेडी। मीना बाकी था, लेकिन वो तो ज़्यादातर लड़ाई झगड़े वाले, लेकिन चांद नवाब वाला जो है ना, मतलब बहुत सुपर हिट, वो बहुत अच्छा है। और गाय वाला, बंदर वाला, हाँ समझ गई प्यारी, ढाका के केले। अब मीना को कौन सा अच्छा लगा? मुझे तो यही अच्छा लगा जो ये गाय के जो बोल रहे हैं, बिल्कुल बेचारे सीरियस होके खड़े हैं कि देखना यार, चलो ले लो ये कर लो। अच्छा, क्लिप सारे अच्छे थे, क्लिप में नो डाउट, हाँ फनी सभी थे। वो भी अच्छा लगा ये जो न्यूज रिपोर्टर वाला जो था, वही सीरियस लड़ गया बिल्कुल। हाँ सीरियस, अच्छा इस तरह काफी बातें चैनल में हो जाती है कैमरा के पीछे, लेकिन अब ये सारी चीजें कब ये लोग सोशल मीडिया पे डाल देते हैं तो मैं कुछ पता नहीं चलता। कुछ क्लिप हो जाते तो आप कहेंगे तो मीना की बातें डाल दिए करेंगे। और बाकी हम कैमरा के पीछे बहुत कुछ मस्तियां करते रहते हैं, बोलते रहते हैं। अलीशा बताएगी, अलीशा, अलीशा को भी ज्यादा फनी गाय वाला लगा। जैसे मैं खड़ा था, बिल्कुल खड़ा था, ये गाय आके बच्चे है कि नहीं आने दो, हमारे अभी पाकिस्तान में अगर कोई किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं तो अभी सब पास खड़े होते हैं जी, कोई आगे नहीं आने देता, और वो बड़ा वगैरह था हमारे भी बहुत सेटिंग हो गई है यहाँ पर पाकिस्तान में इस हवाले से ना। अच्छा एक और चीज है कि जिस जगह वो खड़ा हुआ था वो रास्ता था, रास्ता था। हाँ, अब वो किसको रोकेगा? अब गाड़ी आई है वो, हाँ ना, कितनों को रोकेगा? हाँ। तो दो, अच्छा ज्यादातर हमारे यहाँ तो सस्ता मामला होता है, एक एंकर एक कैमरा में दोबारा दोनों जाते हैं, रोकने वाला भी कोई नहीं, गाड़ी निकल जाएगी। अच्छा होना चाहिए, अगर वक्त को बचाना, एक बंदा एक्स्ट्रा रखे ये लोग अपने साथ। अभी ऐसा हो गया है कि जब कैमरा, अभी आवाम जो है ना वो भी पीछे ही रहती है, क्योंकि अगर किसी के बारे में हम बोल रहे हैं, किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं ना, तो आवाम अब पीछे ही रहती है, कोशिश कर रही होती है कि हमें ये लोग खुद बुलाएं। लेकिन वो स्टेशन है वहाँ तो 24 घंटे खड़े हो गए, ये कैमरा मैन है, अब नीचे से कोई आ रहा है, सर झुका हुआ है, अब वो गुजर रहा है, उसको क्या पता? अच्छा वो इसलिए भी गुजर रहा है कि अगला भी गुजर है, वो समझ रहे ना। अब वो इतना बेजार हो गया कि वो गालियां देने लग गया। और इसमें समझदारी की बात यही है कि आप अपना रास्ता चेंज करो, लेकिन वो खुद वहीं पे खड़ा है। अच्छा यहाँ इसलिए खड़े थे, नीचे ट्रेन जाती भी थी। एक बात आती है डिसिप्लिन की, मुझे अगर हम कैमरा लेके कहीं शूट कर रहे होते हैं, देखो अदर कंट्री अगर हम शूट करेंगे ना, वो साइड से निकल जाएंगे,
वो देखते हैं ना कि यार किसी का काम खराब ना हो, वो पता है क्या करेंगे। आपने वीडियो भी देखी होगी, हमने उसमें रिएक्शन भी दिया है, ठीक है। वो अंग्रेज के साथ जो वो खजूर भाई गए थे और वो वीडियो दे रहे थे, वो अंग्रेज बिल्कुल साइड से निकल गए। हालांकि छोटा सा वो होटल था, लेकिन उन्होंने क्या करा, बिल्कुल अपना किनारा करके वो निकली के एक डिसिप्लिन भी हो। वो चीजें आती है, हमारे पास डिसिप्लिन नहीं है, बस कहीं से भी जाना है जाना है। वो चीजें आती है तालीम से, तालीम कहाँ से लाएं। और सबसे बड़ी बात ये कि वो जो बंदर वाला भी वो ऐसे अगर आप देखे किसी के बारे में कुछ बोल रहे हैं, आप अपना बंदर तो हटा ले, वो आ रहे जा रहे फिर भी वो बोल रहा है, उसने बोलना नहीं रोका। तो सही उन्होंने बोला है कि ये न्यूज एंकर के लिए भी रोजी कमाना कोई आसान नहीं। कोई ऐसा क्लिप जो इसमें नहीं हो और आपने देखा और आपको याद आ रहा हो, इसमें ना हो। और वो सिक्योरिटी गार्ड वाला जो बोल रही थी उसको, वो तो थप्पड़, वो बड़ा वायरल होता है, थप्पड़ मारा उसको, और क्यों इसमें ना हो कोई आपके ज़हन में। अच्छा वो उसका स्लैप भी उसने क्यों मारा है कि वो बहुत ज्यादा अवर उसको कर दिया। अब वो गुस्से में बंदे को, चलो एक तो आप एंकर हो जो भी हो, सामने वाले से बात करो एक तरीके से, आप उसके कपड़े भी खींच रहे हो, तेज आवाज में बात कर रहे हो, तो ना गुस्सा आने वाले को भी आ जाएगा। कह सकते हैं कि देखो कि हमने तो भी शॉर्ट वीडियो देखी है, ठीक है, वो एक एंकर भी है। अब खवातीन क्या हुआ है, चाहे खवातीन किस स्टेट पे भी चली जाए ना, आपको हाथ नहीं उठाना चाहिए। अब आगे वीडियो के पहले क्या हुआ गेट में, क्या नहीं हुआ, कोई बदतमीजी क्या हुआ, कुछ नहीं पता। एक मसला है ना कि जैसे हम तो अभी भी ये सोचते हैं खवातीन कई खवातीन मर्दों से कम नहीं होती, पता नहीं उसको कितना जलील कर दिया उसने, कितना उसको डिग्रेड किया, कब से उसके पीछे पड़ी हुई होगी। ये देखें वहाँ कोई मेरे ख्याल में नादरा वादरा एकदम एंड में हाइपर हो गया, और फिर पठान लोग सोचते नहीं समझते हो उनके पास। लेकिन ये है कि हमने शुरू से क्लिप भी नहीं देखा है, क्या है क्या नहीं है, क्या पता उसकी बहुत ज्यादा गलती हो आदमी की। लेकिन उनकी है तो सही, औरत पे हाथ नहीं उठाना चाहिए। आप मुझसे बदतमीजी कर दो बोल दो, लेकिन हाथ नहीं उठाना। औरत की बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बहुत ज्यादा, चाहे अदर कंट्रीज आप ले लो, आप औरत पे कोई क्लेम नहीं कर सकते। और मतलब इस पे केस फेस भी बहुत बड़ा केस है ना। तो बड़ी ही फनी और इंटरेस्टिंग वीडियो थी, इस तरह की वीडियो पे रिएक्शन दिया करें, आप कमेंट के जरिए से बताएं तो दिया करेंगे। तुम्हारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।